तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और इसी कड़ी में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी मतदान किया। कर्नल राठौड़ ने वैशाली नगर के टैगोर पब्लिक स्कूल के बूथ संख्या 6 पर मतदान किया। इस दौरान राज्यवर्धन सिंह के साथ उनका पूरा परिवार, उनके बेटे मानवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। मतदान के बाद राठौड़ ने आवश्यक रूप से मतदान की अपील भी की है। ये देखिए किस तरीके का उत्साह है वो लोगों में नजर भी आ रहा है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वैशाली नगर स्थित एक बूथ केंद्र पर पहुंचे और अपना मतदान किया। अपने पूरे परिवार सहित अपनी पत्नी, अपने बेटे के साथ वहां पर पहुंचे और उनके बेटे मानवेंद्र भी वहां पर पहुंचे और अपने मतदान का प्रयोग किया। जयपुर ग्रामीण सीट से भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज यानी परिवार के साथ मतदान किया है। जहां जयपुर ग्रामीण सीट पे दोनों ही ओलंपियन खिलाड़ियों का मुकाबला, कांग्रेस से जहां कृष्णा पूनिया इनकी खड़ी हुई है तो सामने वहीं भाजपा के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो सामने खड़े हुए हैं। तो ऐसे में इनकी आज कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मतदान किया है। हमारे साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। लगातार जो मीडिया से मुखाफित हो रहे हैं क्योंकि जैसे ही वोट डाल के आए उसके बाद लगातार किस प्रकार देखते हैं जाति धर्म इन सब से उठ के चुनाव देशभक्ति पे, राष्ट्रवाद पर हो रहा है। जहां विकास हर घर तक पहुंचा है, विकास के मुकाबले में कोई भी अभी तक की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के काम के सामने खड़ी नहीं हो सकती। इस इतना हमने विकास करा है, जहां प्रमाणिक तौर पर हर पंचायत तक प्रधानमंत्री मोदी जी का और मोदी सरकार का काम नीचे तक पहुंचा है। और यही कारण है कि हर गांव के अंदर, देश के हर कोने में अगर एक विश्वास जगा है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, एक विश्वास जो जगा है वो एक मजबूती का विश्वास, एक विश्वास है क्योंकि काम पहुंचा है घर घर तक। सब जानते हैं कि इस देश को अगर पार लगा सकता है एक गांव गरीब महिला के लिए कोई, लड़ने को तैयार है इस सिस्टम से, जो सिस्टम कभी संवेदनशील नहीं होता था, कभी गरीब के नहीं सुनता था, उस वो सिस्टम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण एक साधारण नागरिक की आवाज़ सुनने लगा है। और मात्र 5 साल हुए हैं, एक बच्चे की परवरिश आप करें तो उसमें भी 19-20 साल लगते हैं उसकी परवरिश करने में। ये तो देश है फिर, और ऐसे समय से निकाला है जहां हम एक तरह से पीछे जा रहे थे। तो मुझे यकीन है 2019 का जो चुनाव होने वाला है 23 मई, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, आप इंतज़ार करिए। ज़मीन पर जो करंट है वो करंट आज तक ऐसा नहीं था, ये विश्वास का करंट। तो देखिए आपने देखा कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज सह परिवार यहाँ पे आकर मतदान किया है और मतदान को साधारण लोगों से अपील भी की है। जयपुर से कैमरामैन रामकिशन सैनी के साथ लोकेश 16 A1 TV।